तो दोस्तों, क्या आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कंटिन्यूसली आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चलती रहती है, तो आज ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो होने वाला है EFT के बारे में, EFT टैपिंग के बारे में, जिसे कहा जाता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, EFT जो टेक्निक है, टैपिंग की टेक्निक है, गैरी क्रेग ने स्टार्ट की थी 1990 में, और ये काम करती है हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी के ब्लॉकेजेस है उन्हें ओपन करके। तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है, और यही एनर्जी हमारे अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं तो इसका फ्लो डिस्टर्ब्ड हो सकता है। इस एनर्जी को हिंदी में या संस्कृत में प्राणा भी कहा जा सकता है, और बहुत सारे लोग इस एनर्जी को लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के साथ संबंधित 12 मेरिडियन है और 360 प्लस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। तो इस EFT टेक्निक के अंदर टैपिंग की जाती है उन पॉइंट्स के ऊपर अपनी फिंगर्स के साथ में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, और साथ ही साथ एफर्मेशंस का भी सहारा लिया जाता है। EFT आपको इमीडिएट रिलीफ दे सकता है आपकी स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपकी एंजाइटी को कम करने के लिए। आपके जो कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या आप फियर कर रहे हो कोई फ्यूचर की सिचुएशन के बारे में, या आपके अंदर कोई ब्लॉक्ड इमोशंस है, बहुत पुराना कोई गिल्ट है, कोई एंगर है, या आपको अपनी तरफ सेल्फ हेट है, कोई फियर है, ग्रीफ है, सैडनेस है, और कोई पास्ट ट्रॉमा है जो आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, या आपका इन सब चीज़ों की वजह से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया है, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रप्ट हो गया है, आपको अपनी एबिलिटीज के अंदर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, तो EFT आपको इमीडिएट रिलीफ दिला सकता है इन सभी सिम्टम्स से। दोस्तों, हजारों ही केस स्टडीज है, रिव्यूज है, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है, जो आप खुद चेक कर सकते हो कि EFT कितना ब्यूटीफुली काम करता है। तो दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से जो पॉइंट्स है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है या मेरिडियन पॉइंट्स है, जिन्हें हमें EFT के अंदर टैप करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, हमारे हाथ के यहाँ पर साइड में है, जिसे कराटे चॉप पॉइंट भी कहते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है, और इस हाथ में अगर देखोगे तो यहाँ वाला पॉइंट है। फिर जो सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है, वो हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में जो दो डॉट्स है, जो डेंट्स है, ये वाला जो पॉइंट है, ये सेकंड नंबर का पॉइंट है। थर्ड नंबर का जो हमारा पॉइंट है, जो हमारी आईज के साइड्स के जो पॉइंट है, यहाँ के जो यहाँ का पॉइंट है और यहाँ का पॉइंट है, ये थर्ड नंबर पॉइंट है। फोर्थ नंबर पॉइंट हमारी आईज के जस्ट नीचे का पॉइंट है, यहाँ का। और फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है, वो हमारे नोज के नीचे और लिप्स के बीच के जो गैप है, ये फिफ्थ नंबर का पॉइंट है। सिक्स नंबर पॉइंट हमारे जस्ट लोअर लिप्स के नीचे और चिन के बीच का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अब आते हैं सेवन नंबर पॉइंट पे, जो हमारा कॉलर बोन है। अगर आप यहाँ पर अपनी फिंगर रखेंगे तो आपको एक डेंट फील होगा, तो ये वाला जो डेंट है, ये जो हमारा है सेवन नंबर पॉइंट है। जो आपका एट नंबर पॉइंट है, अपने अंडर आर्म्स के यहाँ पर जब अपना हाथ रखते हो, वो हाथ को आप थोड़ा सा नीचे रखिए, और यहाँ पर आपको एक जगह पे पेन होगा। आप ट्राई करिए पुश करके, आप एक को एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपको पेन होगा। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है दोनों साइड्स में, ये हमारा है एट नंबर पॉइंट। जो हमारा नाइन्थ नंबर का पॉइंट है, वो सिर के ऊपर है, जो जिसे हम हिंदी में तालू भी कहते हैं और जिसे क्राउन चक्रा भी कहते हैं। तो दोस्तों, टैपिंग का मतलब है अपनी फिंगर से उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप हल्के से टैप कर रहे हो। आपको बहुत जोर से मारना नहीं है, और इतना स्लो भी ना हो कि आपको फील ना हो, पर आपकी अवेयरनेस एक्टिवेट हो जाए, इतने लेवल पे आपको उस पॉइंट को टच करना है। तो कुछ स्टेप्स है EFT टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए। सबसे नंबर वन स्टेप है कि आप अपने इशू को आइडेंटिफाई करिए। क्या इशू से आप जूझ रहे हैं? क्या आपके अंदर एंगर के इश्यूज है? क्या आपकी एंजाइटी बढ़ी हुई है? क्या आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा है? क्या आपके रिलेशनशिप में अभी हाल ही में कुछ हुआ है? क्या आपके अंदर कोई गिल्ट है? आपने कोई गलती की, आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो? क्या आपके अंदर डर है कोई करंट सिचुएशन से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड? क्या आपके अंदर किसी चीज का बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है? क्या आपका कॉन्फिडेंस लो है, या पास्ट का कोई ट्रॉमा भूल नहीं पड़े? सबसे पहले एक्नॉलेज करिए कि क्या वो इशू है जो सबसे ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है करंटली, और वो आपको अपनी लाइफ को हैप्पीली जीने नहीं दे रहा। जब आपने अपने इशू को हाईलाइट कर दिया, तो स्टेप नंबर दो है कि आप उसको रेट करिए 0 से लेकर 10 के बीच में। 0 है कि वो इशू बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, 10 है वो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पे है आपकी सफरिंग के। तो अगर आपके अंदर एंगर है, आप रेट करिए क्या आपका एंगर 2 लेवल पे है, 5 लेवल पे है, या 8 लेवल पे। या अगर आपके अंदर अपनी तरफ सेल्फ हेट है या बहुत ज़्यादा गिल्ट है, तो वो 0 से 10 में आप कितना रेट करते हो। अगर आप अपने आप को फेलियर समझते हो, लोगों ने आपको फेलियर बोल बोल के आपको ये महसूस करवा दिया कि आप एक फेलियर हो, तो फिर भी आप रेट करिए कि 0 से लेकर 10 तक ये स्टेटमेंट कितना है जिस पे आप बिलीव करते हो। तीसरे नंबर स्टेप पे आप अपनी स्टेटमेंट को सेटअप करेंगे, इवन दो आई फील। इसके आगे आप डालेंगे क्या आप फील कर रहे हो गिल्टी, क्या आप फियरफुल फील कर रहे हो, क्या आप सैड फील कर रहे हो, क्या आप लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, क्या आपके जो अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। तो इवन दो आई फील नेगेटिव राइट नाउ, इवन दो आई फील
गिल्टी, इवन दो आई फील हेट टुवर्ड्स माई सेल्फ, इवन दो आई फील वेरी सैड, इवन दो आई फील एंग्री, इवन दो आई फील इरिटेटेड, तो वो आप पर्टिकुलर जो आपका इशू है वो आगे लगाओगे. आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. तो अगर आपके अंदर एंगर है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक एंगर है, तो आप तो यहाँ पे जो नंबर वन पॉइंट है हमारा यहाँ का पॉइंट है, तो आप कहोगे, टैप करोगे आप 5 times उस जगह पे और आप कहोगे, इवन दो आई हैव दिस एंगर आई कंप्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, इवन दो आई हैव दिस एंगर आई कंप्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, इवन दो आई हैव दिस एंगर आई कंप्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. तो इस पॉइंट पे 5 बार टैप करते हो, 3 बार आप इस सेंटेंस को रिपीट कर सकते हो, फिर आप दूसरे पॉइंट्स पे मूव ऑन करोगे. जब हम दूसरे पॉइंट्स पे आएंगे तो आपको ये पूरी स्टेटमेंट बोलने की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे आप सिर्फ फ्रेज को यूज कर सकते हो. अगर आपका एंगर है तो आप यूज करोगे माय एंगर, अगर आपके अंदर गिल्ट है तो आप यूज करोगे माय गिल्ट, अगर आपको कॉन्फिडेंस लो है तो आप यूज करोगे माय लो कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर एंजाइटी है तो आप बोलोगे माय एंजाइटी, अगर आपके अंदर सोशल एंजाइटी है तो आप बोलोगे माय सोशल एंजाइटी, और फिर जो पूरा स्टेप है आप कंटिन्यू करोगे. ठीक है भाई, नंबर 2 पॉइंट पे आते हो, माय एंगर, 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 माय एंगर. तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करोगे. बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस आपको फिर से रेट करना है अपने उस करंट इमोशन को, कि जब आपने स्टार्ट किया था आपका एंगर कितना लेवल पे था स्केल पे, आपकी गिल्ट कितने लेवल पे थी, आपका लो कॉन्फिडेंस कितने लेवल पे था, और ये प्रोसेस जब आपने 1 time किया आप वापस से एनालाइज करोगे क्या वो उतना ही है, क्या वो थोड़ा कम हुआ है, और अगर आपका जो एंगर है या पर्टिकुलर इमोशन है वो 2 से ऊपर स्केल पे रहा तब तक आपको इसको रिपीट करना है. मिनिमम आपको 3 times तक इस पूरे सीक्वेंस को रिपीट करना है. अगर हम लैंग्वेज की बात करें, आप इसको कोई भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो. जैसे हम हिंदी का एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका इश्यू है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है, लो कॉन्फिडेंस, तो ये जानते हुए कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, ये जानते हुए कि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, ये जानते हुए कि मैं बहुत ज़्यादा फियरफुल हूँ, ये जानते हुए कि मैं बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन हूँ, मैं अपने आप को पूरे तरीके से प्यार करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपने को पूरे तरीके से प्यार करता हूँ और अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, तो आप हिंदी में भी करेंगे और वहाँ पे भी आप वापस से जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो आप उसमें से फ्रेज का यूज़ करेंगे कि मेरा लो कॉन्फिडेंस, मेरा लो कॉन्फिडेंस, मेरा लो कॉन्फिडेंस, मेरा लो कॉन्फिडेंस. तो जब भी आप इन पॉइंट्स को टैप करते हो और इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का सर्कुलेशन फिर से चालू हो जाता है और जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस है वो रिलीज होने लगती है और आप देखोगे कि आपका एनजाइटी का लेवल, आपका फियर का लेवल, आपकी चिंता का लेवल, आपकी ओवर थिंकिंग, हर एक का जो रेटिंग है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी. तो दोस्तों, आपको अगर कोई भी इशू है जो आपको ये वीडियो देखते हुए भी परेशान कर रहा है तो वीडियो के एंड में ज़रूर EFT टेक्निक्स को यूज़ करिए. आप रेगुलरली इसे कर सकते हो और आप देखेंगे कि आपके जो इश्यूज़ है धीरे 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 आपके लिए और मैनेजेबल होते जा रहे हैं. तो दोस्तों, ये वीडियो था इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच.